हेलो साथियों तो ये बाल विकास का हमारा चौथा मॉक टेस्ट है और इससे पहले मैंने तीन मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट की लिंक दी रहेगी आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों बीस बीस क्वेश्चन के मैंने तीन मॉक टेस्ट करवा दिए यानी कि आपके साठ क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं और दोस्तों आज ये चौथा मेरा मॉक टेस्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें तभी तक तभी आपको मज़ा आने वाला है और इससे क्या होगा कि अगर जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको अपने ज्ञान का पता चलता है आखिर आपने कितना पढ़ा तो इससे आपका भी फायदा है आपको तैयारी आपकी पता चल जाएगी कि आपने कितना तैयार कर लिया है? तो चलिए शुरू कर लेते हैं जान लेते हैं क्या कुछ हमारे वीडियो में दोस्तों आज पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाल वाले निशान को दबा के घंटे वाले निशान को भी दबा लीजिए जिससे क्या होगी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे यानी कि जब भी मैं मॉक टेस्ट या कोई भी शिक्षक भर्ती यूपी डेट सी टेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए तो चलिए शुरू करते हैं जान लेते हैं क्या कुछ है हमारे वीडियो में पहला तो क्वेश्चन तो है हमारा कह रहा है कि बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है यानी कहा गया कि भैया आपको बाल्यावस्था में से किस नाम से जाना जाता है आपके पास चार ऑप्शन है पहला आपका टोली की आयु बी है आपका जीवन का अनोखा काल और सी है आपका वक्की अवस्था या डी है उपरोक्त तो सभी तो आपको इसमें से ऑप्शन चुन के आपको कमेंट करके बताना है कि आपका देखिए नॉलेज कितना है तो दोस्तों चलिए फिर हम बताते हैं इसमें से जो बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है इसका जो सही आंसर है वो आपका डी के साथ जाएगा यानी कि टोली आयु जीवन का अनोखा काल भक्ति अवस्था ये सभी बाल्यावस्था को कहते हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है यानी कि ज्यादातर विद्वान क्या मानते हैं आपके बाल्यावस्था की अवधि क्या है तो आपके पास ऑप्शन है चार ए दस पांच से दस वर्ष बी छे से बारह वर्ष सी तीन से चौदह वर्ष और डी आपका चार से आठ वर्ष तो आपको इसमें से टिक करके बताना कि आपका ऑप्शन कौन सा है तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कर दीजिए तो चलिए दो का जो ऑप्शन है वो आपका बी है यानी छः से बारह वर्ष अधिकतर विद्वान छः से बारह वर्ष आपका बाल्यावस्था की अवधि मानते हैं फिर क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका मैं कौन हूं मैं क्या हूं मैं कुछ भी हूं जैसी प्रबल सूचक बालक के किस अवस्था की होती है भैया ये कि बालक के किस अवस्था में ये मनोभाव आते हैं तो ए आपका किशोरावस्था बी आपको सैसा अवस्था सी आपका बाल्यावस्था डी इनमें से कोई नहीं तो आपको प्लीज आप कमेंट करके बताइए तो थ्री का जो ऑप्शन आपका जा रहा है वो ए के जा रहा है यानी कि किशोरावस्था में ये सब चीजें आती हैं फिर क्वेश्चन नंबर चार निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन किया यानी सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत वो किसने प्रतिपादित किया आपके पास ऑप्शन है जीन पियाजे थार्डाइक अल्बर्ट बंडूरा या पावलाओ <coughs> तो आपका ऑप्शन जा रहा है सी अल्बर्ट बंडूरा यानी किसके साथ जा रहे हैं आप अल्बर्ट बंडूरा के साथ अगर आपने अल्बर्ट बंटूरा टिक किया तो आपका बहुत ही आंसर सही है यानी कि आपका नॉलेज आपके काम आ रहा है एक नवजात शिशु का भार कितना होता है ये काफी बार पूछा गया है यूपी डेट के लिए खासकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए 6 पाउंड बी नाइन पाउंड सी एट पाउंड या डी ट्वेल्व पाउंड तो आपको इसमें बताना है तो जो एक नवजात शिशु का भार होता है वो नाइन पाउंड के बराबर होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स सीखना विकास की प्रक्रिया है या किसका कथन यानी सीखना विकास की प्रक्रिया है या किसका कथन है आपके पास ऑप्शन है थार्नडाइक वुडवर्थ स्किनर गिलफोर्ड तो आपको इसमें से बताना है सही ऑप्शन पे टिक करना है तो जो सीखना विकास की प्रक्रिया या कथन वुडवर्थ का है अगर आप वुडवर्थ के साथ जा रहे हैं तो आप बहुत ही सही हैं क्वेश्चन नंबर सेवन डीवी सीखने का आधार किसको मानते थे यानी जो डीवी थे वो सीखने का आधार किसको मानते थे बुद्धि को आत्मा को क्रियाओं को या इनमें से कोई नहीं तो का तो का का ऑप्शन कमेंट करके बताइए जो जो डीवी जो सीखने का आधार मानते थे वो सी को मानते थे यानी क्रियाओं को चिंतन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है चिंतन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है ए विचार बी कल्पना सी सृजनात्मकता डी समस्या समाधान तो आपको यहाँ पे टिक करना है क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन आप, आप बताइए तो डी यानी कि समस्या का समाधान भाई चिंतन करते रहते हो ना सोचते रहते हो कि भैया समस्या आपकी कैसे हल हो फिर क्वेश्चन नंबर नाइन की बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं यानी कि भैया भूख प्यास निद्रा या आदत जो आपकी जन्मजात प्रेरक नहीं है तो नाइन का ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए तो डी आपका ऑप्शन क्या जा रहा है डी यानी आदत क्वेश्चन नंबर दस प्रेरणा का स्रोत नहीं है आपके पास ऑप्शन है ए प्रेरक बी चालक सी भोजन डी उद्दीपन फटाफट दस मिनट में आपके बीस क्वेश्चन तैयार ये मेरी गारंटी <coughs> तो क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन जा रहा है सी के साथ यानी कि भोजन भोजन क्या है जो प्रेरणा का स्रोत नहीं है वैयक्तिक भिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रणाली है ए आपका डांडाटन प्रणाली बी किंडरगार्टन प्रणाली सी प्रोजेक्ट प्रणाली या डी उपरोक्त सभी तो जो भैया वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर जो आपकी शिक्षण आधारित प्रणाली है वो आपकी प्रोजेक्ट प्रणाली है फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्ध कितनी होती है यानी कि जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है तो ए आपके पास 111 से 120, बी आपके पास इक्यानवे से 110, सी आपके पास इकहत्तर से 80 C और डी आपकी 70 से कम तो यहां पे आपको कमेंट करके बताना जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तो बारह का आपका डी से जा रहा है यानी सत्तर से कम यानी कि बहुत ही बेकार बुद्धि स्पियर मैन ने बुद्धि के त्रित्व सिद्धांत में तीसरा तत्व माना है आपको इसमें कमेंट करके बताना अपना समूह तत्व तो समू फिर हम बात करेंगे शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है तो आपके पास ऑप्शन है निश्चित स्थान पर बी जीवन पर्यंत सी प्रत्येक स्थान पर डी उपरोक्त स्थान पर तो जो शिक्षा के संकुचित अर्थ में जो शिक्षा प्रदान की जाती है व्यवहार संबंधी मानसिक विकार या डी गणित विकार तो यहां पे आपको कमेंट करके बताना है पंद्रह नंबर का तो पंद्रह नंबर आपका जो जाता है वो पठन विकार यानी कि वर्ण विचार से जो वर्ण से संबंधित समस्या होती है वो होती है आपकी डिसलेक्या फिर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की बात करेंगे शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा तो क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर एक है जॉन एडम्स बी है जॉन डी वी सी है अरस्तु डी है सुकारात तो आपका सिक्सटीन का जो ऑप्शन जा रहा है वो आपका जा रहा है ए के साथ यानी जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा फिर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन शिक्षा को त्रिमुखी किसने कहा तो ए आपके पास जॉन एडम्स बी जॉन डी वी सी अरस्तु या डी सुकारात तो आपका जो सत्रह का ऑप्शन जा रहा है वो जॉन डीवी के साथ जा रहा है यानी आपका कौन सा ऑप्शन जॉन डीवी फिर क्वेश्चन नंबर एटीन किसोर अवस्था में बालक का व्यक्तित्व हो जाता है तो ए बहिर्मुखी बी अंतर्मुखी सी उभयमुखी डी शर्मिला तो आपको यहाँ पे आंसर अपना टिक करके बताना है तो बी अंतर्मुखी फिर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की बात कर रहा है तुतलाना एक विकार है तो ध्वनि संबंधी उच्चारण संबंधी भाषा संबंधी या डी प्रवाहशीलता तो जो आपका तुतलाना है वो एक उच्चारण संबंधी विकार हैं फिर क्वेश्चन नंबर तीन बालक की बीजावस्था होती है ए चौदह दिन बी बीस दिन ए सी एक माह डी आपका पैंतालीस दिन तो आपका जो ये ऑप्शन है आपको कमेंट करके बताना है बीस का आपको ऑप्शन बताना है कि इसकी अवधि क्या होती है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए अगर चैनल चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से कीजिए फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं